नमस्कार। आज हम कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण से संबंधी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस क्वेश्चन एंड आंसर, ये है हमारा आज का टॉपिक। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि कंपनी की आंतरिक पुनर्निर्माण से संबंधित जो योजना है वो मैनेजमेंट जो बोर्ड होता है उसके द्वारा या ट्रिब्यूनल द्वारा तैयार की जाती है और उसी के आधार पर कंपनी का जो ढांचा है पूंजीगत उसको परिवर्तित किया जाता है और जो हानियाँ हैं उसको हो राइट ऑफ किया जाता है। उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ली है और इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर तैयार किस प्रकार से करेंगे ये आपको बताएंगे। हाँ, तो देखते हैं कि ये 31 मार्च 2016 की एक आपको बैलेंस शीट दी हुई है एक्स लिमिटेड की, और बैलेंस शीट में आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दी हुई है जिसमें 64,064,000 नंबर ऑफ शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर 6% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, 10 रुपीज़ का वो शेयर है और फुल्ली पेड अप शेयर है 64,000 और 1,92,000 इक्विटी शेयर है 5 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड अप, 1,92,000 जो नंबर ऑफ शेयर है वो इक्विटी शेयर है और 5 रुपीज़ फुल्ली पेड अप है। बी पॉइंट दिया हुआ वो रिजर्व एंड सरप्लस का दिया हुआ है जिसमें आपको जनरल रिजर्व भी दे रखा है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव बैलेंस आपको दे रखा है 2,88,000 रुपये का, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी है 5% डिवेंचर्स 3,84,000 रुपये 3,84,000, क्रेडिट लाइबिलिटीज में ट्रेड्स पेबल्स और सेंड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड्स पेबल्स में सेंड्री क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 6,40,000 6,14,000, 23,39,200 23,39,200। अब असेट्स साइड में देखें तो असेट्स में नॉन करंट असेट्स में आपको दे रखा है फिक्स असेट्स में टेंजिबल जिसको लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, और इंटेंजिबल आपको गुडविल दे रखी है 4,48,000 रुपीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़ में इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल बिल रिसीवेबल भी दे रखे हैं डेटर्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में दे रखा है कैश, ये आपको दिए हुए हैं बैलेंस शीट में। अब हम चलते हैं कि आपको करना क्या है। ये देखिए, संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन करने पर ज्ञात हुआ कि ख्याति का जो मूल्य है वो क्या है, नील। संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन हमने किया और हमें पता चला कि जो गुडविल है उसका मूल्य तो नील है और अन्य संपत्तियां निम्नलिखित सीमा तक अधिक मूल्यांकित की हुई है। अन्य संपत्ति है वो भी बैलेंस शीट में ज़्यादा अमाउंट्स पे दिखा रखी है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है वो 1,28,000, 1,28,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,76,000, 1,76,000 और संदिग्ध ऋणों के लिए 16,000 का आयोजन आवश्यक समझा गया है, ये आपको करना है।
1 अप्रैल 2016 को पुनर्निर्माण की योजना जो ट्रिब्यूनल द्वारा ये योजना है वो स्वीकार की गई। मैनेजमेंट ने ये योजना बनाई और ट्रिब्यूनल द्वारा इसकी सहमति दे दी गई है। और वो योजना क्या है कि लेनदार है वो अपने दावे का 50% के लिए 6% ऋण पत्र लेना स्वीकार करेंगे। लेनदार है वो अपना पूर्व दावे का 50% छोड़ेंगे और उसके बदले 6% ऋण पत्र लेना स्वीकार करेंगे। शेष राशि इसी तिथि के 6 माह बाद नगद में भुगतान की जाएगी। शेष जो राशि है वो उसको नगद में भुगतान की जाएगी 6 मंथ के बाद में। और प्रत्येक पूर्वाधिकार अंश को 5 रुपये तक कम करना है अंश तय प्रदत्त। और इक्विटी अंश को 1 रुपये तक कम करना है। शेखर और तक में बहुत है, दोनों में फर्क है। 5 रुपये तक का मतलब 5 रुपये पर उसको लाना है, 1 रुपये तक का मतलब उसको 1 रुपये का शेयर रखना है। और संपत्तियों को पुनर्मूल्यांकित अंकों तक कम करना है। और लाभ हानि का जो डेबिट नेगेटिव बैलेंस है उसको भी राइट ऑफ करना है। और इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए आपको जनरल प्रविष्टियाँ देनी है और कंपनी का रिवाइज्ड बैलेंस शीट आपको तैयार करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जनरल बुक में हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। क्रेडिटर्स है उसको जो 50% है वो छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो क्रेडिटर्स को करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट DR 2 6% डिवेंचर्स 6% डिवेंचर्स। ये देखिए इसमें क्रेडिटर्स आपको 6,40,000 रुपये के दे रखे हैं, तो क्रेडिटर्स ने क्या हुआ कि वो ऋण पत्र लेने को तैयार हो गए। तो 6% डिवेंचर इश्यू टू क्रेडिटर फॉर दी 50% देयर क्लेम अंडर रिकॉग्नाइजेशन स्कीम, जो हमने स्कीम ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत की गई इसके तहत आपको क्रेडिटर्स को जो ऋण पत्र हैं वो दे दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर जो हमारी कैपिटल है उसको हमने कितना कम किया है, प्रेफरेंस शेयर को हमने 10 रुपीज है उसको हमने कम किया है। पेड वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर इक्विटी शेयर आर रिड्यूस अंडर रिकॉग्नाइजेशन स्कीम्स में कम कर दिया है। प्रेफरेंस शेयर को 3,20,000 से कम किया है और इक्विटी शेयर को 7,68,000 रुपये से कम कर दिया है, क्योंकि हमें जो पुनर्निर्माण की योजना थी उसमें ये आदेश दिया गया था कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी को 5 रुपये तक और इक्विटी अंश को 1 रुपये तक कम करना है अंश तय, जो हमने कर दिया है। और जनरल रिजर्व का जो हमारा बैलेंस था उसको हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। इस प्रकार हमारा जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है वो टोटल हो गया है 10,91,200। अब हमें राइट ऑफ करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस, जिसको हम नेगेटिव बैलेंस भी बोलते हैं, वो है 2,88,000 इससे कर दिया। फिर हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 16,000 का तैयार करना है। गुडविल को भी राइट ऑफ करना है 4,48,000 और लैंड एंड बिल्डिंग को 1,28,000 से कम करना है। और प्लांट एंड मशीनरी को भी राइट ऑफ करना है 1,76,000 से। तो इस प्रकार सबको जब हमने राइट ऑफ कर दिया तो जो रिमेनिंग बैलेंस रहेगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, किसको करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, किसमें करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का तो बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। लॉसेस राइट ऑफ एंड बैलेंस ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री है वो कंप्लीट हो रही है, हमने कर दी है। क्रेडिटर्स थे उसको हमने डिवेंचर दे दिए हैं और दोनों प्रकार की जो हमारी कैपिटल थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल उसको हमने अंश तय कम करके बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अब हम तैयार करेंगे हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ये देखिए रिवाइज्ड बैलेंस शीट हम तैयार करेंगे।
प्रेफरेंस शेयर जो हमारा था उसको हमने ₹5 तक कम कर दिया है। ₹5 का जो बैलेंस था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो ₹5 ही हमारे पास पेड अप है। तो 64,006% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 इज ₹5 पेड अप कैपिटल, तो 3,20,000 और 1,92,000 इक्विटी शेयर ₹5 ईच है, जो अभी ₹1 पेड अप है। ₹1 ही हमारे पास का उसका बकाया है, बाकी हमने ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पर। तो 1,92,000 और रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस था उसको हमने राइट अप कर दिया है, और जनरल रिजर्व का बैलेंस है हमने ट्रांसफर कर दिया था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, तो वहाँ पर कोई बैलेंस बकाया नहीं, इसलिए इनको हमने बैलेंस शीट में नहीं दिखाया। इसके स्थान पर हमारा नया जो अकाउंट बना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, उसको हमने दिखा रहे हैं ₹35,200 का। सेकंड जो हमारा चल रहा है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, क्या चल रहा है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जिसमें हमारा 6% डिवेंचर जो 5% था वो पहले था, और 6% डिवेंचर हमने दिया है क्रेडिटर्स को 3,20,000 का, और 5% डिवेंचर हमारे पास पहले था 3,84,000 का। और इसके बाद हमारी आती है करंट लाइबिलिटीज, जिसमें ट्रेड्स पेबल सेंडरी क्रेडिटर्स 3,20,000, पहले 6,40,000 रुपये थे, तो हमने 3,20,000 का जो बैलेंस था उसके लिए हमने ट्रेड डिवेंचर उनको दे दिए, तो वो बैलेंस हमारा यहाँ से कम हो गया है। तो अब हम चलते हैं असेट साइड में। असेट साइड में देखिए नॉन करंट असेट्स है, जिसमें फिक्स असेट्स और फिक्स में टेंजिबल असेट्स, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे बात करें तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारी है वो 1,28,000 रुपये से हमने राइट ऑफ कर दी है, तो 6,40,000 रुपये वो बैलेंस रिमेनिंग रह गया है। इसी प्रकार जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी 7,20,000 थी उसमें से हमने कम कर दिया है 1,76,000, तो जो बैलेंस जो हमारे पास रहेगा वो 5,44,000 का बैलेंस हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, बाकी हमने राइट ऑफ कर दिया है। अब जो गुडविल थी वो हमने राइट ऑफ कर दी, तो उसको दिखाने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब हम चलते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है वो है 1,28,000, उसमें कोई चेंज नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल में जो बिल्स रिसीवेबल है वो 66,000 का है, तो उसको हमने 66,000 का बिल्स रिसीवेबल दिखा दिया है। और डेटर्स की बात करें तो डेटर्स हमारे टोटल थे 1,92,000, कितने थे 1,92,000, जिसमें से हमने प्रोविजन तैयार किया है वो किया है 16,000 का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो वो इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो 1,76,000 1,76,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो हमारा अमाउंट आएगा 19,200। टोटल जो बैलेंस आएगा वो 15,71,200 और लाइबिलिटी साइड का भी 15,71,200। इस प्रकार हम रिवाइज्ड जो बैलेंस शीट है वो तैयार आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जर्नल जो एंट्री हमने की है उसको ध्यान में रखते हुए जो चेंजेज हमने किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो बहुत आसान तरीके से हम रिवाइज जो बैलेंस शीट है वो तैयार कर सकते हैं, और जो पुनर्निर्माण की ट्रिब्यूनल द्वारा जो स्वीकृत की गई थी उसको भी हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।